नमस्कार, डीडी भारती के सुधीर दर्शकों के लिए मैं कुमुद दीवान और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद श्री यतीन्द्र मिश्र आज आपके सम्मुख लेकर आए हैं अपने ही संग्रहालय से एक बेहद दुर्लभ रिकॉर्डिंग, एक ऐसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार की जिनका नाम सुनकर आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो ऐसे तबला वादक थे जिनकी उंगलियों में वो थिरकन थी कि उनका नाम लोगों ने प्रेम से थिरकवा रख दिया था। जी, मैं उस्ताद अहमद जान थिरकवा के बारे में बात कर रही हूँ, जो हिंदुस्तान के मशहूर तबला वादक हुए और ऐसा बाज उन्होंने बजाया जिससे बहुत सारे तबले के घराने और बहुत से बाद के तबले वालों को बहुत प्रेरणा मिलती रही। उस्ताद अहमद जान थिरकवा संगीत में पारंगत थे और वोकल म्यूजिक और सारंगी में आपको बहुत अच्छी तालीम थी और पूरे घरानेदार संगीतकार थे। खासियत उनके बाज की ये थी कि वो इतनी एक्यूरेसी और इतने स्पीड से वो तबला बजता था कि लगता था कि जैसे बिजली सी कौंध गई हो, इसीलिए उनको एक उपनाम थिरकवा का दे दिया गया और उन्होंने अपना एक मकाम बनाया हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में और हिंदुस्तान के आला दर्जे के सोलो तबला वादक के नाम में उन्होंने बहुत नाम कमाया। तबला यूं तो संगत का साज रहा है, लेकिन उस्ताद अहमद जान थिरकवा जी ने सोलो तबला को, एकल तबला वादन को इतना बड़ा मंच दिया, इतना बड़ा नाम दिया, जिसके बाद कई तबला वादकों को एकल तबला बजाने की प्रेरणा मिली, जैसे कि उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित कुमार बोस, पंडित अनिंदो चैटर्जी वगैरह वगैरह। यतीन्द्र जी, थिरकवा जी की बाज के बारे में कुछ आप हमसे बात करें और बताएं कि आज हम अपने दर्शकों को क्या दिखाने वाले हैं। कुमुद जी, मुझे लगता है आपने बहुत ही सुंदर जानकारी दी है, लेकिन अहमद जान थिरकवा के साथ जिन लोगों का आपने नाम लिया, ये बहुत बड़े कलाकार हैं। दो नाम और हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक पंडित सामता महाराज गुदई महाराज, सामता प्रसाद गुदई महाराज जी, और दूसरे उस्ताद अल्लाह रखा साहब। तो एक ये जो एक ट्रिनिटी बनती है वो अहमद जान थिरकवा, गुदई महाराज और अल्लाह रखा साहब की बनती है, और ये तीनों लोग मिल करके एक ऐसे बाज को, जो हमेशा संगत का बाज रहा, जो हमेशा पीछे पीछे बजा, चाहे वो नाटकों में बजा, चाहे वो नाट्य संगीत में बजा, चाहे वो नृत्य के लिए बजा, कथक में इस्तेमाल हुआ या ख्याल गायकी में आया, लेकिन उसको सोलो परफॉर्मेंस के लेवल पर ये लोग ले गए। और हमारे पास जो एक दुर्लभ संग्रह से प्रस्तुति है, उसमें अपने समय की मशहूर कलाविद और संगीत की जानकार उमा वासुदेव जी ने उनसे इंटरव्यू लिया था। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उमा वासुदेव जी आज भी सक्रिय हैं और बहुत सुंदर ढंग से अपने काम को आगे बढ़ा रही हैं। तो वो रिकॉर्डिंग जिसमें उमा जी उनसे बात कर रही हैं, उसको दिखाने के साथ आज के समय में हम उमा वासुदेव जी की ये रिकॉर्डिंग भी दिखाएंगे कि वो उस्ताद जी के बारे में क्या कहती हैं। एक मजेदार जनश्रुति जो मशहूर है वो मैं जरूर बताना चाहूंगा कि अहमद जान थिरकवा के लिए कहा जाता था कि वो जहां बैठ करके बरसों बरस रियाज करते रहे, तो तबले पे जिस तरह से उनकी थाप और जो उनके रियाज का मामला था कि वर्षों तक वहां बैठ के रियाज करने के बाद जब तबला हटा कर देखा गया तो वहां पर गड्ढे बन गए। हाँ, जमीन में गड्ढा हो गया। तो जमीन में गड्ढा बन गया, जो एक कहावत है कि रसरी आवत जात ते सिर पे पड़त निशान, तो वो जो एक अपने हुनर को मांझने का मामला है ये पुराने लोगों ने दिखाया है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसी कोई श्रृंखला रच पा रहे हैं, और खास करके हमने सायास ही एक नाम दिया, विभूतियों को प्रणाम। तो ये सब विभूति हैं, ये सब महान और अमर लोग हैं जिनकी छाये तले बैठ करके हम कुछ बेहतर देख सकते हैं। हम ये दुर्लभ प्रस्तुति देखें कुमुद जी, उसके पहले मैं चाहूँगा कि उमा वासुदेव जी अपनी टिप्पणी से इस पूरी पुरानी चीज को एक बार नया करें, उनमें नवोन्मेष डालें, और वर्षों से वो जो और भी कुछ देखती सुनती गुनती आई हैं, उनके अपने अनुभव बढ़ने से उनके सोच में क्या फर्क पड़ा है, उमा वासुदेव जी को आप सुने, और उसके बाद हम उस्ताद अहमद जान थिरकवा की ये दुर्लभ रिकॉर्डिंग आपको दिखाएंगे। Thank you.
धन्यवाद। उम्र में भी ये तवानाई मेहरबानी। पूरब सुनाता हूँ आपको जी। खावट कैसे बचती है खुले हाथ से।
ये नाच में भी चल सकता है ये, नाच के साथ इसलिए नखलाऊ में इसी चीज की वजह से ये गत्तोड़ा भी गत्तोड़ा इसीलिए नाम पड़ा है। हाँ जी टुकड़े में क्या फर्क गत परण और टुकड़ा परण बस्ती है पखावज में अच्छा आप पूरब का कहिए गत में क्या फर्क है गत और टुकड़े में हाँ टुकड़े में फर्क यह है टुकड़ा तो ऐसा है कि मोरा बारा ढाई जैसी आ गए सम पे हाँ और गत लंबी चीज है दो तीन आवर चीज है हाँ हाँ जी हाँ जी अच्छा ये सालों के बाद मुझे यकीन ही नहीं होता कि मैंने एक ऐसे कलाकार को इंटरव्यू भी किया था जैसे कि हमारे तबला के जो बहुत माने हुए प्लेयर थे अहमद जान थेरकवा अभी देख के दोबारा जरा उनको जरा वो देख के मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं पता नहीं कौन से जमाने में बैठी हुई हूँ
और कहाँ का जमाना जो निकल भी गया है, लेकिन वो जो उनके बजाने का तरीका और उनके समझाने का तरीका जो था वो तो बिल्कुल कमाल का था। और जो उनकी जो एक उंगलियों की जो चलन थी वो देखने को मिली तो मुझे तो लगा कि पता नहीं मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। बहुत ही खूबसूरत तबला बजाते थे और जो जिस लहजे से और जिस वैरायटी से आप कहिए जो उनकी तालीम थी और जो उनका एक्सपीरियंस था, उससे तो मुझे अब याद आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि इतने सालों पहले क्या क्या जमाने हमने देखे थे और क्या क्या सुना था उनको बजाते हुए और कैसे कैसे लोगों के साथ उन्होंने बजाया और अकेले भी। तो एक ये एक मैं कह रही हूँ कि मुझे तो लगता है कि जैसे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा के लिए इसको रखा तो हुआ है लेकिन ताज़ा करना चाहिए, जैसे बजा दिखा दिखा के लोगों को कि हमारे जो उस्ताद लोग थे हर एक इंस्ट्रूमेंट में गाने में क्या क्या स्टैंडर्ड्स उन्होंने अचीव किए थे और कहाँ कहाँ वो पहुँचे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आजकल बजाते हैं वो अच्छा बजाते नहीं है, ये सवाल तो है ही नहीं है, क्योंकि हमेशा जो भी बजाता है या गाता है या गाती है या जो भी कुछ किसी भी एरिया में, उस वक्त तो लगता है कि जैसे बस इसका ऐसा कमाल हुआ कि इसके इसके इनके साथ मैच करने का कोई होगा ही नहीं। लेकिन क्या दुनिया का ये कैसा एक रिदम सा है कि इतने बड़े बड़े कलाकार हमारे हुए हैं और कुछ तो फिर उससे फैमिली के आगे चल पड़ते हैं और कुछ जो अपने ही एफर्ट से और अपने ही काबिलियत से छा जाते हैं लोगों पे। तो मुझे तो लगा कि ये अहमद जान थिरकवा एक ऐसा एग्जाम्पल है, ऐसा नमूना लोगों के सामने रखा जाए हमेशा के लिए कि जो आइंदा की पीढ़ी है वो सिर्फ सीखने के लिए भी नहीं इंस्पायर होती हुए अपने आगे बढ़े। अभी आपने मशहूर पत्रकार और कला आलोचक श्रीमती उमा वासुदेव जी से उस्ताद अहमद जान थिरकवा के बारे में उनके आपसी जान पहचान खुलूस और एक दूसरे के काम को समझने के बारे में आपने यादें ताज़ा की और अब आप सुनिए उस्ताद अहमद जान थिरकवा का एकल तबला सोलो वादन। जी 90 साल की उम्र का तबला वादन जिसमें उमा वासुदेव जी का उनके साथ साक्षात्कार भी है और उस्ताद जी का बाज भी है। हम आज आपके लिए अपने दुर्लभ आर्काइव से ये संकलन लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो अब अजरारा का अरे सही है बात तो चार अब अजरारा सुनो। हाँ
और फरखाबाद का थोड़ा सा बताइए। और लखनऊ का चौथा तो ये लखनऊ का है, तो बनारस का भी तो बनारस का बजाने का क्या ढंग होगा? ये न्याय का है, सतखा पखावत को कांग बजाते हैं वो। हाँ। कहियो लोगों भी सुनो। हाँ।